हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी लाइफ सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस कंप्लीट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स ठीक है ये चैप्टर फास्ट हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेटेज जो है दैट वेटेज इज 7 टू एट मार्क्स ओके स्टूडेंट्स तो ध्यान में रखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर

uniform circular motion right what was the uniform circular motion when the speed is constant ye cheez students dhyan me rakhna speed is constant then that circular motion we call it as what uniform circular motion acha uniform circular motion hoga to centripetal acceleration hoga centripetal acceleration also you have learnt that is acceleration which is towards the center as you can see here ar ar we call it as radial acceleration also

एंड ऑफकोर्स थम गिवज अ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सलेशन ऑल्सो ठीक है अगर यही पार्ट को यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर स्पीड डिक्रीजिंग है ठीक है अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इज अपवर डायरेक्शन एंड एंगुलर एक्सिलेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन ये चीज ध्यान में रखना यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे स्पीड इज वॉट इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है ओके okay? यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है डिक्रीज हो रहा है ओके okay, तो ये दोनों में डिफरेंस है दोनों डायग्राम में स्टूडेंट्स तो ध्यान में रखना है अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें जो पेज में अगर आप पूरा चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो यहां पे जो भी एग्जाम्पल दिए हैं ठीक है सम्स दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट सम्स को ध्यान में रखना ठीक है ये सम्स जो है सॉल्व करना है ठीक है एंड सिंपल है टू टू मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये हो गया कंप्लीट पार्ट अबाउट सेकेंड पेज में इतना ही पढ़ना है अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट एज यू कैन सी हियर दिस इज दी सेंट्रीपीटल फोर्स ठीक है सो दो चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स सो दोनों का डिफरेंस याद रखना है दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट आई जस्ट शो यू यहां पर पॉइंट वाइज में दे देती हूं तुम लोगों को वन इज यू कैन रिमेंबर दैट सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्री फ्यूगल फोर्स ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है जस्ट दो तीन पॉइंट याद रखोगे तो भी इनफ है जिसने उन्हें बिल्कुल स्टडी नहीं किया है तो ये उनके लिए बेस्ट हो जाएगा यहां पे फर्स्ट पार्ट में क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है फोर्स विच इज एक्टेड टूवर्ड सेंटर टुवर्ड्स सेंटर टुअर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अलोंग रेडियस ये ध्यान में रखना ओके एंड सेंट्री फोर्स सेंट्रिफ्यल फोर्स अ डिफरेंस बिटवीन द टू एकदम छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखो इफ दर इज सर्कुलर मोशन द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्सेंटर वी कॉल एज वॉट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इनकेस ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स द फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर वी कॉल इट एज वॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रहेगा ठीक है दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अफकोर्स इट इज अ रियल फोर्स ठीक है तो ये हो गया रियल फोर्स एंड सेंट्री फोर्स इज इट सीडो फोर्स और वी कैन से इमेजनरी फोर्स ये हो गया सीडो फोर्स ओके स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है थर्ड वन मिनिमम दो पॉइंट इनफ है बट फिर भी रियल फोर्स से रिलेटेड व्हाट यू कैन रिमेम्बर इज न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल बिकॉज न्यूटन ने सिर्फ रियल फोर्स के बारे में बताया ठीक है सो न्यूटन न्यूटन्स फोर्स ओके okay, यहां पे अप्लाई होता है अप्लीकेबल है और यहां पे अप्लीकेबल नहीं है राइट right? सो so, ये स्टूडेंट्स तुम लोग साथ में जो है पॉइंट्स मेक जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स इट बी इजी टू रिमेंबर और यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट अप्लीकेबल ओके सो इट इज नॉट अप्लीकेबल ओके फिर भी और एक अगर पॉइंट ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स हैल्प टू मेंटेन सर्कुलर मोशन ओके इट सर्कुलर मोशन और ये जो है डज नॉट मेंटेन सो ये छोटा सा पॉइंट मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में दिया हुआ है बिच यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर दैट सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं यहाँ पे जो बॉक्स में जो दिया हुआ है रिमेंबर दिस यू हैव टू रीड वंस ठीक है नहीं समझ में आए कुछ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट एक बार रीड कर लो डेफिनेटली शायद कहीं ना कहीं तो वो क्लिक हो जाएगा ओके बिकॉज फॉर्मुले एवरीथिंग इज गिवन हियर नाउ इन दिस केस यहाँ पे सेंट्रीपिटल सेंट्रिपिकल के बारे में है नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टू मार्क्स इज वेहीकल ऑन अ अरिजोंटल सर्कुलर ट्रैक ओके अगर वहीकल हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक पे है ठीक है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए स्पीड क्या होना चाहिए तो so, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे एक तो है हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक दूसरा होगा बैंकिंग ऑफ रोड ठीक है तो ये सब पे जो है स्पीड ऑफ व्हीकल क्या होना चाहिए दैट इज व्हाट कैलकुलेशन डेरिवेशन विल बी आस्ट ठीक है तो डेरिवेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें से ये डायग्राम ध्यान में रखना दिस इज फॉर व्हीकल ऑन हॉरिजेंटल रोड

फोर्स राइट ओके कब रोड पे जाएगा तो सेंट्रीपीटल फोर्स एंड दैट इज ऑफकोर्स बैलेंस बाय फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है सो यहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो गया है तो आपको जस्ट उतना ही लाइन लिखना है दट इज एन इज इक्वल टू एम जी वी कैन राइट है ना एन इज इक्वल टू एम जी ये पॉइंट एक लिख सकते हो और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा सीपीएफ सीपीएफ का फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपीटल फोर्स का एम बी स्क्वे बाय आर इज नथिंग बट वर्ड फ्रिक्शनल फोर्स ये पॉइंट ध्यान में रखना है ठीक है और ऑलरेडी तुमने पढ़ा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन वी एज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है स्टूडेंट्स तो ये दोनों अगर डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को तो डेफिनेटली ये इक्वेशन नंबर वन एंड टू दोनों को डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल सा है दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ से आपको एम का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू अपॉन एन का वैल्यू भी है एम जी ठीक है वी कैन राइट इट एज म्यू एस So, यहां पे स्टूडेंट्स ये कैंसिल कर दोगे तो बी का वैल्यू आपको मिलेगा रूट ऑफ म्यू एस आर जी सो यू विल गेट वॉट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर फॉर वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड ठीक है यहाँ पे एज यू कैन सी हियर दिस पार्ट इज गिवन ठीक है तो ये हो गया आंसर दैट इज द मैक्सिमम स्पीड जो हॉर्जेंटल कर्व रोड पे होना चाहिए वो इतना होना चाहिए तो ये फॉर्मूला भी आप भी ध्यान में रख लो ठीक है विच इज रियली हेल्पफुल टू मार्क्स का क्वेश्चन है इज वेरी वेरी सिंपल वन उसके बाद में स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आ जाता है दैट इज वेल ऑफ डेथ जिसको हम बोलते हैं वॉल ऑफ डेथ बेसिकली ये होता क्या है सबने देखा होगा स्फेरिकल डोम होता है जिसमें जो बाइकर जो है मूव करते हैं रोटेशनल राइट सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं बट पॉइंट इज अगर बाइकर का जो स्पीड है अगर प्रॉपर नहीं है सो व्हाट विल हैपन दे विल फॉल ठीक है बिकॉज दे आर चेंजिंग द रेडियस एवरी टाइम राइट स्टूडेंट्स सो वो कैलकुलेट कैसे करना है वो भी डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन आपको टू मार्क्स के लिए आएगा ओके वेल ऑफ डेथ के बारे में तो उसके लिए आपको जो है ये फिगर याद रखना है वेल ऑफ डेथ के लिए यहाँ पे देखो सर्कुलर वेल ऑफ डेथ का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये जो है बाइकर का है ठीक है ये पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन से दैट पी पॉइंट है जो कि बाइकर है जिसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं

वॉल वॉल विल गिव वॉट नॉर्मल रिएक्शन सो यहाँ पे नॉर्मल यह रिएक्शन है और ऑफ कोर्स सर्कुलर है तो क्या होगा कौन सा फोर्स होगा सेंट्री पिटल फोर्स यहाँ पे भी दो पॉइंट तुम लोगों को ध्यान में रखना है दैट इज ये बैलेंसिंग अगर ध्यान में आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा यहाँ पे भी देखोगे तो देखो ये पार्ट है विच आई टोल्ड यू कि एम जी किसको बैलेंस कर, कर रहा है एफ एस को बैलेंस कर रहा है बराबर है ना और नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है सेंट्री पिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है तो ये दोनों को आपको डिवाइड करना है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑलवेज लेस बराबर है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगा बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है दैट इज इज फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन ये कहां से फॉर्मूला मिला यू नो दैट फार्मूला बिकॉज म्यू एस का फॉर्मूला हमने बताया था वट वॉज दैट एफ एस अपॉन एन तो यहां से ये चीज मिल गई ठीक है अब जो है हमने वैल्यू को सबसूड कर दिया फ एस की जगह पे क्या रखा एम जी और बाकी वैल्यू सब शूट कर दिया सो फाइनली यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला दैट इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बाइकर शुड बी रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यूएस अगर ये बराबर सेटिस्फाई हो रहा है सो द बाइकर कैन डेफिनेटली रोटेट इन अ प्रॉपर मैनर इन सर्कुलर ऑर्बिट इन अ वेल ऑफ डेथ ठीक है और ये सब उनको प्रैक्टिस से ही आता है यहाँ पे हमने डेरिवेशन देखा है ठीक है तो ये आपको दो मार्क के लिए आपको ध्यान में रखना है उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये तो क्वेश्चन रिपीटेडलीकल रोड अभी हायर लेवल एंड लोअर एज इनर एज इज एट लोअर लेवल दिस इज व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ द रोड आपने देखा होगा कि जहां पे भी रेसिंग ऑफ द कार होता है वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड होता है ठीक है ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बट ये बैंकिंग व्हाई इज इट नेसेसरी एंड वन मोर थिंग यू हैव सीन दैट जहाँ पे भी हॉजेंटल आई मीन हाईवेज वगैरह होते हैं वहां पे सर्कुलर रोड तो होता है ना हाईवेज uh, पे तो वहाँ पे भी बैंकिंग होता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है बैंकिंग बिकॉज जहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होता है व्हीकल का ठीक है वेल टेकिंग टर्न इट इज नॉट दैट वेरी इजी बराबर है वहां पर स्लो सडनली नहीं कर सकते हैं सो समथिंग शुड प्रोवाइड प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ऑफ रोड अगर प्रॉपर बैंकिंग ऑफ रोड होगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा व्हीकल को तो प्रॉपर वो टर्न ले लेगा उसी स्पीड में राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर और इसके लिए जो है डेरिवेशन पार्ट है डेरिवेशन स्टूडेंट्स अगेन इज वेरी सिंपल वन यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के आएंगे अगर सिर्फ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड से, से पूछा है ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा ये देखो ये पार्ट अगर देखेंगे आई विल जस्ट शो यू दिस पार्ट ये देखो ये है कर्ड रोड बराबर है यहाँ पे रोड क्या हो रहा है बैंक हो रहा है है ना बैंकिंग बॉर्ड टू एन एंगल ऑफ थीटा ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजीनियर खड़ा हो गया रेती सीमेंट डाल दिया और ऊंचा नीचा कर दिया ऐसे नहीं होगा यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉपर करना पड़ता है ठीक है ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया ये भी डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रखना है बिकॉज हाईवे पे आप देखोगे तो वहां पे स्पीड कितना होना चाहिए स्पीड लिमिट सब लिखा होता है बराबर एटी किलोमीटर पर आर सिक्सटी किलोमीटर पर आर हम लोग इंडियंस लोग ध्यान नहीं देते वो अलग बात है हम अपना ही स्पीड रखते हैं वन ट्वेंटी हंड्रेड जो भी है बट एटलीस्ट वो प्रॉपर स्पीड ये कैलकुलेशन के हिसाब से रखा है दैट वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मुला हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पे राइट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो व्हीकल रखा हुआ है व्हीकल का जो है वेट की तरह एक्ट करेगा डाउनवर्ड वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बराबर है ना तो यहाँ पे जो है नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का पार्ट

देखो ये दूसरा वाला कंपोनेंट हमको क्या मिला एन साइन थीटा अभी यहाँ पे व्हीकल कौन से रोड पे है कर्व्ड रोड पे है सो द फोर्स विच इज एक्टिंग विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन दैट विल बी व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंसिंग व्हाट थीटा एंड एम जी बैलेंसिंग एन कॉस थीटा सो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स ध्यान में अगर रखेंगे तो डेरिवेशन देखो एक एकदम सिंपल सा है देखो ये लाइन में आपका खत्म हो रहा है बराबर है एन कॉस्टा एम जी एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर दोनों को डिवाइड कर दो आपको आंसर आ गया बराबर है so, सो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इसमें भी अलग अलग कंडीशन है जो ध्यान में रखना है कि अगर सेफ स्पीड चाहिए सेफ स्पीड ठीक है सो so, स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करेंगे वी एस इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा दैट इज अ सेफ स्पीड फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा ना बिकॉज वी स्क्वायर है तो इसको जो है वी स्क्वायर को अगर आप उस तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर आर जी टेन थीटा करेक्ट राइट right. तो ये पार्ट जो है आप लिखोगे तो क्या हो वीजोल रूट आर जी टेन हैव गॉट हियर तो ये है मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला अगर एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा बिकॉज टेन थीटा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं टेन थीटा में थीटा को जो है हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स तो आ जाएगा स्टूडेंट्स राइट right? और जो स्पीड लिमिट है स्पीड लिमिट के लिए भी यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है बिकॉज बेसिकली दोनों भी सेम सेम है सेफ स्पीड या speed limit इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो definitely some problems will be there. Okay? अच्छा अभी इसमें जो है अलग-अलग दो conditions है. One is, uh, back, lower speed limit, और दूसरा है अपर स्पीड लिमिट तो बच्चों स्टूडेंट्स को ये ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोअर स्पीड लिमिट में क्या करना है अपर स्पीड लिमिट में क्या करना है अगर यहाँ पे देखोगे तो लोअर स्पीड लिमिट में दिस फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है मोर होता है दैट इज वेरी हाई तभी आपका स्पीड कम होगा और अपर स्पीड लिमिट में अगर स्पीड बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं राइट right? अभी यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी मैटर करता है ठीक है तो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे इट इज सिमिलर टू बैंकिंग ऑफ रोड जो हमने बनाया हुआ था बराबर है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट तो ये पार्ट हो गया लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर हमको डालना पड़ेगा वो है फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है तो फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है है मतलब frictional force का डायरेक्शन डायरेक्शन फॉरवर्ड में दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट हो गया राइट ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे हो गया इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया कंपोनेंट में डिवाइड किया यहाँ पे तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स कंपोनेंट में डिवाइड किया तो देखो कितना कंपोनेंट्स है ये एफ एस एफ एसा एंड एफ एस साइन है ये तीन कंपोनेंट आपको मिल गया यहाँ पे। तो अगर देखोगे तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है देखो यहाँ पे ये दो, किसको बैलेंस कर रहा है एम जी को क्लियर तो ये इक्वेशन एक बन जाता है आपका ये भी बहुत इजी डेरिवेशन है of course. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या किसको बैलेंस कर रहा है स्टूडेंट एन थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा करेक्ट इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू दोनों फोर्स किसको बैलेंस करे एम जी तो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया इस तरह से अगर याद रखोगे ना तो डेरिवेशन बहुत सिंपल हो जाएगा दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो एन साइन थीटा और ये क्या है टुअर्ड्स अ सेंटर अभी एन साइन थीटा और ये पार्ट इस डायरेक्शन में है तो एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है एफ एस theta जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक फोर्स एक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज कर्व रोड पे है सो वी कैन से एम बी स्क्वायर बाई आर ये हो गया इक्वेशन नंबर टू यही दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है ठीक है ये दोनों को जो है यहां पे देखोगे तो इस तरह से है आई एल शो यू दैट पार्ट बुक में ही पूरा आपको बता देती हूँ so आपको इजीली याद हो जाएगा ठीक है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजिंग है तो देखो एरो किस तरफ से किया हुआ है डिक्रीजिंग में किया हुआ है बराबर बर है तो ये स्टूडेंट्स अगर ध्यान में रहेगा तो ईजी हो जाएगा याद करने के लिए और इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल सा है विच आई शोड यू देखो ये मैंने दे, आपको दिया था फॉर्मूले दो बराबर है ना तो ये दो फॉर्मूला को आपको डिवाइड करके सॉल्व करना है तो आपको ये आंसर मिलेगा तो ये याद रखना ये जो है के लिए है. तो जैसे भी न्यूमरिकल होगा उसके ऊपर ये सबमिट करना होगा ठीक है स्टूडेंट्स सो इतना आपको समझ में आया है एंड नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे वो है कॉनिकल पेंडुलम स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ कॉनिकल पेंडुलम ओके conical pendulum what is conical pendulum first of all it is a uh, thread which is attached to a bob okay and uh, when you horizontally revolve it it makes a circular part which looks like a cone like this right as you can see this diagram right this is the conical pendulum this is the a b is a thread right a b is a thread which is attached to a bob and when it is whirled in a circular orbit

टा एंड टी साइन थीटा टी जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यू कैन राइट ओनली टी पार्ट ठीक है ओरिजिनल टेंशन करके दिया हुआ है बट इट इज ओके सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दैट इज यू कैन से दैट टी कॉस्टा राइट इट इज बैलेंस्ड बाई वॉट एम जी एज यू कैन सी योर सो दिस दिस पर्टिकुलर कंप्लीटलीज फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है

CPF बराबर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये दो पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है सो विद दैट यू कैन डू द डेरिवेशन पार्ट बराबर है तो एकदम सिंपल सा है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है दैट एंगुलर वेलोसिटी वी हैव टू टॉक अबाउट बराबर है इनर्शियल फ्रेम में वी विल टॉक अबाउट लीनियर वेलोसिटी दैट इज एम बी स्क्र बाय सेंट्रीप्यूटल फोर्स के लिए और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखना है बट डेरिवेशन एक ही करना है पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर यहाँ पे यूज किया है देखो टी साइन तीटा इज बैलेंड बाई वॉट एम आर ओमेगा स्क्वायर और टी कॉसिटा इज बैलेंड बाय जी एंड देन उसको क्या किया है इक्वेट करके देन वी गॉट ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला एंड अफकोर्स ओमेगा का फॉर्मुला सबको होता है ठीक है सो यू गेट दिस पार्ट अब यहाँ पे जो है आर आर इज नथिंग बट वॉट एल साइन थीटा डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे रेडियस है आर बराबर है दिस इज the रेडियस आर पार्ट तो जब साइन थीटा यूज करेंगे ठीक है तो साइन थीटा और ये एंगल है थीटा तो साइन थीटा क्या होता है अपोजिट सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेस बराबर है तो साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेस मतलब आर अपॉन एल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा आप लिख करके एक बार देखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ठीक है सो पीरियोडिक टाइम भी हमको मिल गया यहाँ से फॉर्मुला तो इतना सारा तो आपको याद रखना है दैट इज पीरियोडिक टाइम फॉर कॉनिकल पाई एल जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और एक बार पीरियोडिक टाइम मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा बिकॉज पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी हमेशा रिलेटेड है रेसिप्रोकल टू इच अदर ठीक है सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम ये फॉर्मूला ध्यान में रखो बिकॉज कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं ठीक है तो ये पार्ट इजीली हो जाएगा एक बार आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लो और दो लाइन का डेरिवेशन जो मैंने बताया वहां पे आप कर लो बहुत इजी हो जाएगा ठीक है इसके बाद में हम लोग अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ठीक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसके पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता है थ्रेड अटैच टू अ बॉडी एंड विच इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल डायरेक्शन जब वर्टिकल डायरेक्शन में घुमाएंगे उसको तो स्पीड एवरी टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग दैट इज द मीनिंग ऑफ इट तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है यहाँ पे वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग सो so, ये पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू डू द डेरिवेशन पार्ट यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड uh, लगेगा आपको बट एकदम सिंपल से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ ठीक है तो यहाँ पे ये यह हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन ठीक है ये पार्ट हो गया उसका सेंटर अभी वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन मतलब क्या है कि थ्रेड अटैच टू तो अ बॉडी बराबर है यहाँ पे बॉडी ले लिया थ्रेड अटैच टू अ बॉडी अभी ये बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पार्ट देखो यहाँ पे बॉडी विल गो दिस पार्ट हियर देन इट विल गो अपर डायरेक्शन बराबर है ऐसे जाएगा यहाँ पे तो ये अलग अलग पोजिशन हो गया ठीक है सो so यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सपोज ये सेंटर हो गया ओ ठीक है तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग विल एक्ट ऑलवेज टूवर्ड्स अ सस्पेंशन ये चीज ध्यान में रखना ठीक है ये कौन सा पोजिशन है अपना लोवेस्ट पोजिशन है ये मिडिल पोजीशन है और ये हो गया अपना हाईएस्ट पोजीशन yes तो ये तीन पोजीशन पे आपको डिराइव करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे जो है अगर सपोज बॉडी यहाँ पे आ गया ये पोजीशन पे आ गया ठीक है तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे वी हैव टू सी दैट ये आपका एंगल है थीटा वेट ऑफ द बॉडी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज एम जी तो अगर इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे ठीक है तो रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पार्ट ऐसे आ जाएगा ठीक है ये पार्ट हो गया रिजोल्यूशन में इस तरह से रिजोल्व हो जाएगा ठीक है ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा तो दिस विल बी वॉट एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा राइट ओके सो ये कंपोनेंट्स हो गया तो यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये भी टेंशन है सेंटर तो ये हम लोग ले लेंगे टी बट अभी डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे सब टेंशन सेम नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी एल बराबर है इसको हम लिखेंगे टी एम मतलब मिडिल पॉइंट पे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर और ये भी पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर होता है याद रखना स्टूडेंट डायरेक्शन लाइक दिस एंड ये हो जाएगा टी एच मतलब डेरिवेशन तो भी एकदम सिंपल सा है सपोज टेंशन फाइंड आउट करना है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो टी एंड एम जी कॉ सीटा बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टी माइनस दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो जब प्रॉपर होंगे विच विल प्रोवाइड सेंट्रीपीट फोर्स दो ही वो रोटेट होगा नहीं तो नहीं होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू वॉट एम बी स्क्र अपॉन आर ये फॉर्मूला तुम लोगों को ध्यान में रखना है बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी बात कर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्मूला आपको मिल रहा है स्क्वायर आर प्लस एकदम सिंपल पॉइंट में ध्यान में रखना है अभी यहाँ पे क्या पॉइंट इजीली या, uh, याद रखेंगे अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग हम लोग जो है थीटा का वैल्यूज डालेंगे दैट्स ऑल ठीक है एकदम अगर एक बार लिखोगे मेरे साथ में है तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा उसका अब यहाँ पे अगर मैं सपोज लोवेस्ट लेती हूँ लोवेस्ट पोजिशन ठीक है लोवेस्ट पोजिशन अगर लिया तो मुझे एक चीज बताओ टी की जगह पे मैं क्या सब शुरू करूंगी टीएल आपको एक मेथड बताती हूँ जो इजी हो जाएगा बराबर है वी की जगह पे क्या लेंगे वीएल बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रहा है बार बार ठीक है और थीटा थीटा की जगह पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स एंगल कितना होगा जीरो होगा ना बिकॉज इनिशियल पोजिशन जो है लोवेस्ट पोजिशन है ये सारा वैल्यूज आप इसमें सब कर दो तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा बराबर है सो फाइनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्या आ गया टी एल एम बी एल स्कॉन आर बराबर है स्टूडेंट्स सो वी गेट ये मिल गया मुझे फॉर्मूला लोवेस्ट पोजिशन का राइट right? है ना एकदम इजी सिमिलरली यू विल डू फॉर वॉट अगर मुझे हाईएस्ट पोजीशन का चाहिए स्टूडेंट्स तो थीटा कितना लोगे कितना होगा थीटा यहां से यहां तक जाएगा बराबर है वन एटी डिग्री आ जाएगा आंसर अगर ये पोजिशन पे लेना है तो थीटा कितना लेंगे हम नाइनटी डिग्री तो ये आपने बहुत सारा वैल्यूज आपको मिल जाएगा तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे यू विल गेट व्हाट एम बी एच स्क्वायर सब शुरू करके देखना ठीक है अपॉन आर माइनस एम जी मिलेगा हाईएस्ट पोजीशन पे बिकॉज टेंशन कम हो जाता है स्टूडेंट्स ध्यान में रखना ठीक है और मिडिल पोजीशन पे जो है जीरो तो ये दोनों फॉर्मूला मुझे यहाँ पे तो इसे कंक्लूजन क्या मिलता है आइडियली कि कितना होना चाहिए हाइएस्ट पॉइंट पे टेंशन बिकॉज ध्यान में होगा जब स्ट्रिंग ऊपर जाता है तो स्ट्रिंग थोड़ा सा लूज हो जाता है आइडियली टेंशन शुड बी जीरोस्ट पॉइंट राइट right? सो so, ये बड़ा सा डेरिवेशन देखो कितनी छोटे छोटे पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर लिया तो ये हो गया टेंशन का पूरा डेरिवेशन तो टेंशन का देखो ये फॉर्मूला सब यहाँ पे डिराइव किया है बराबर अगर आप देखोगे तो वो सारा पार्ट है ठीक है जो भी मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है यू कैन सी हियर अपर मोस्ट राइट सो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ये हो गया टेंशन वाला डेरिवेशन विच इज वेरी वेरी सिंपल उसके बाद में बेस्ड ऑन दैट और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टी सी टी ए दिया हुआ है मतलब ए और ये पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन एंड मिडिल पोजीशन का दिया हुआ है ठीक है ये दोनों के बीच का टेंशन फॉर्मूला ध्यान में रखो थ्री एम जी याद रखो ठीक है हाईएस्ट टू मिडिल पोजीशन या तो लोवेस्ट टू मिडिल पोजीशन तो वैल्यू इज थ्री एम जी ठीक है और यहाँ पे जो स्पीड होता है ये होता है रूट ऑफ थ्री आर जी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये पार्ट हो गया उसके बाद में नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे आ, अभी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए तो स्पीयर ऑफ डेथ एंड कॉन्वेक्स ये जो पार्ट है ये ओमिट किया गया है ठीक है डोंट हैव टू स्टडी अबाउट दिस पार्ट फिर देन उसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इज अबाउट रोटेशनल मोशन ठीक है रोटेशनल मोशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेशनल मोशन अभी यहाँ पे देखिए तो रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेन कैन यू से दैट द बॉडी इज रोटेटिंग ठीक है अबाउट वन एक्सिस हर एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंड ऑफ कोर्स ये बॉडी किस टाइप का होना चाहिए रिजिड बॉडी होना चाहिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, ये पार्ट इसमें ध्यान में रखना है एंड उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली फॉर्मूला ध्यान में रखो दैट इज इज आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर और इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज द समेशन का मतलब क्या होता है सम इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रोटेशन एंड द पार्टिकल ठीक है ये वाला देखेंगे तो यहां से मिल जाएगा बराबर है देखो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज ऑफ रोटेशन एंड द पार्टिकल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ऐसे आर वन आर टू आर थ्री हमको मिलते जाएगा ठीक है तो वो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया राइट right? सो so, ये चीज ध्यान में रखना है अभी ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स ये है कैनेडिक एनर्जी पार्ट ठीक है तो कर्नेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो हेडिंग है मैं बता रही हूँ कहाँ पे दिया हुआ है तो so, स्टूडेंट्स ये जो डेरिवेशन है ये यहाँ पे क्या करना है कैनेडिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी आपको डिराइव करना है ठीक है कैनडिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के लिए बहुत सिंपल सा है क्या करेंगे हम लोग कर्नेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मला सबको मालूम होना चाहिए दैट इज हाफ एम वन बी वन स्क्वायर बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे आर ओमेगा ठीक है यहाँ पे सब शुरू कर दिया इस तरह से ये किसका हो गया फर्स्ट पार्टिकल का हो गया सिमिलरली वी कैन राइट फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो क्या किया है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकाल दिया है सबको टोटल कर दिया बराबर है सबको प्लस करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है है ठीक ये जो कॉमन कॉमन uh, के बाद में जो ब्रैकेट में नंबर है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा तो इसके बाद में इसका जो है फॉर्मुला हम लोग डाल देंगे तो यू गेट फाइनली आंसर एज वॉट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसको कैसे याद रखेंगे बहुत इजी है रिलेशन याद रखने के लिए बिकॉज आपको याद है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है करेंटिक एनर्जी एम का एनालॉग रोटेशनल में आई होता है वी का एनालॉग रोटेशनल में ओमेगा होता है इतना ध्यान में रखोगे ना तो फॉर्मूला इजिली याद हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हो गया हाफ का करंटिंग एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो कि आपको टू मार्क्स के लिए डेरिवेशन आएगा ठीक है इसमें नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है कंप्लीटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क का दिया हुआ है ठीक है अलग अलग बॉडीज का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे डिस्क uh, का दिया हुआ है डिस्क के लिए जो है आपको ध्यान में जो रखना है ठीक है सिर्फ आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला पार्ट फॉर्मूला यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस यहां पर दिया हुआ है ये है ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ डिस्क इज हाफ एम आर स्क्वायर ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखो इसमें क्या हो जाता है ये जो डिस्क पार्ट है ठीक है ये अगर सेंटर से रोटेट करेंगे ठीक है ये सेंटर पार्ट हो गया रोटेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हाफ एम आर स्क्वायर ओके ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे ठीक है और इसके अंदर नेक्स्ट वाला पार्ट है ये डेफिनेशन सिर्फ याद रखना है दैट इज रेडियस ऑफ गैरेशन यू हैव टू हार्ट द डेफिनेशन डेफिनेशन में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है दैट सिंपल सा डेफिनेशन जो मैं बता देती हूँ यहाँ पे पूरा डेफिनेशन बुक में एक्चुअली बराबर से नहीं दिया हुआ है बट रेडियस ऑफ गैरेशन का मीनिंग क्या है अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बॉडी को छोटा कर दिया है दैट बड़ा बॉडी को छोटा बना दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए दैट इज द ऑफ दिस रेडियस ऑफ गैरेशन दैट इज डिनोटेड बाय के ओके तो यहां से डेफिनेशन आराम से बना सकते हो सो वॉट इज रेडियस ऑफ गैरेशन इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ठीक है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गेशन और इसको हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू एम के स्कॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई रिमेन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है आई रिमेन्स कॉन्स्टेंट दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये फॉर्मुला हम लोग यूज करेंगे तो ऑफकोर्स के इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट यहां से रूट ऑफ आई बाई एम तो ये हो गया रेडियस ऑफ गेशन का फॉर्मूला और यूनिट भी बहुत इजी है के मतलब क्या होता है डिस्टेंस तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर और सेंटीमीटर बराबर है ये ध्यान में रखना यूनिट बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं अबाउट यूनिट के लिए ठीक है तो ये पार्ट यहाँ पे हो गया उसके बाद में देखो थ्री मार्क्स का तो ये क्वेश्चन आता ही है दैट इज पैरल एक्सेस थियरम एंड पर्पेंडिकुलर एक्सेस थियरम दो थियरम है इसमें से एक क्वेश्चन तो आता है ठीक है तो ये दोनों थियरम जो है आपको लर्न करना है ये उसका डायग्राम है पैरल एक्सिस थियरम का यहाँ पे इसको नाम क्यों दिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे टू एक्सेस ऑफ रोटेशन इज विच इज टू टूच अदर टू वन एक्सेस इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ओ एंड द अदर एक्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ठीक है इसका भी डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है ठीक है यहाँ पे भी ये डायग्राम देखोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से एक बड़ा वाला लेना है बड़े वाले राइटैंग ट्रायंगल को ले लेंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो दैट इज यहाँ पे देखो आ, अच्छा इसमें अगेन सब्सिड्यूट किया हुआ वैल्यूज ठीक है तो आई ओ आई ओ क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ओ ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन सबको मालूम है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर तो मास ले लिया है डीएम स्मॉल मास कंसिडर किया है ठीक है तो स्मॉल मास कंसिडर किया है डीएम वैल्यू ठीक है इसका और इसके बीच में तो ओडी डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस क्या है ओडी इसके लिए ओडी स्क्वायर लिखा है ओडी को हम क्या लिख सकते हैं डी एन स्क्वायर प्लस एनओ स्क्वायर और उसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है इट हैज टू बी लाइक दिस ये पार्ट रॉन्ग है यहाँ पे इट शुड बी डी एन स्क्वायर प्लस सॉरी डी एन प्लस एन ओ दी होल स्क्वायर ठीक है तो ये पार्ट नहीं होगा यहाँ पे इट शुड बी होल स्क्वायर इट शुड बी लाइक दिस तो ये होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मुला यूज करेंगे ठीक है यहाँ पे एक करेक्शन है स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट और उसके बाद में फाइनली जो है सब्सिटूट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा दैट इज आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर ठीक है ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और आपको ये स्टेटमेंट जो है बाय हार्ट करना है ठीक है क्योंकि वन मार्क का स्टेटमेंट आएगा और टू मार्क्स का डेरिवेशन आएगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट आता है है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पे भी सेम पार्ट मतलब थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर टू एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और एक एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसा होता है विच कैन नॉट शो इन द डायग्राम सो इट इज शोन लाइक दिस तो इसमें जो है ये एक्सिस जो z एक्सिस है विच इज पर्पेंडिकुलर टू द प्लेन x एंड y आर म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो इस चीज को भी यहाँ पे सेम पार्ट में आप यूज कर सकते हो एंड दैट इज ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है ठीक है स्टेटमेंट और फॉर्मूला लिखोगे तो कम से कम तुम लोगों को डेफिनेटली वन एंड हाफ मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए जो है डायग्राम भी जरा ध्यान में रखो तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो थ्री मार्क्स का पार्ट कर सकते हो अगर इनकेस याद भी नहीं रहेगा तो फॉर्मूला और स्टेटमेंट तो याद रखना ठीक है तो ये देखो ये है डेफिनेशन तो एंगुलर पर्पेंड, मोमेंटम दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर आ, मोमेंटम या तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम पार्ट वी कैन है तो इसको जो है इसके लिए फॉर्मुला आपको ध्यान में रखना है ये पार्ट है दैट इज एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ओके सो so, इसके बाद में जो है ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको फिर ये डेरिवेशन वापस टू मार्क्स के लिए डेरिवेशन आएंगे ठीक है मोमेंटम के डेरिवेशन आपको टू मार्क्स के लिए आएंगे टॉर्क के डेरिवेशन आपको टू मार्क्स के लिए आएंगे ये भी ध्यान में रखना राइट एंड इसमें जो है फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अच्छा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता देती हूँ ये होगा आई ओमेगा ये कैसे याद रखना है बिकॉज लीनियर मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी मैंने बताया था मास का एनोलॉग आई वी का एनोलॉग ओमेगा तो ये आप ध्यान में रख सकते हो सिमिलरली टॉर्क का भी याद रख सकते हैं टॉर्क वाला फॉर्मूला जो है आई अल्फा अभी याद कैसे रखोगे बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मा बराबर है तो यहाँ पे फोर्स का एनोलॉग क्या होता है टॉर्क होता है मास का एनोलॉग आई होता है एक्सलोरेशन का एनोलॉग अल्फा होता है तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो ये रोटेटिंग बॉडी के लिए है बराबर है एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी और ये जो है लीनियर बॉडी के लिए है है लीनियर मोशन ठीक तो ये पार्ट ध्यान में रखना है और कंजर्वेशन भी स्टूडेंट्स टू मार्क्स के लिए आता है कंजर्वेशन ठीक है तो उसके लिए ये पूरा डेरिवेशन यहां से इतना याद रखोगे ना तो भी बस है ये पार्ट में एल इज कॉन्स्टेंट ठीक है अगर ये पार्ट नहीं आता है डेरिवेशन कुछ पार्ट में तो डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट भेजो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी इजी मेथड में कैसे करना है ठीक है तो ये वाला आपका इसमें हो जाएगा अगर फिर भी किसी को क्वेरीज है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर देंगे उसमें आप डाल सकते हो या कमेंट में आप डाल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है प्लीज एक्सप्लेन ठीक है तो वो चीज मैं कर दूंगी अच्छा इसका जो है एप्लीकेशन जरा ध्यान में रखना कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का आ, कहां पे एप्लीकेशन है दैट इज बैलेड डांसर्स जो है जब वो डांस करते हैं स्पिन करते हैं तो ऑल हैंड्स एंड लेग्स आर वेरी क्लोज वेरी क्लोज बिकॉज आई रेड्यूस तो यहाँ पे जब I कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगा बिकॉज L कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा L कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है एलिजिकल टू क्या होता है I ओमेगा बराबर है तो यहाँ पे I इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा तो इसीलिए जो है बैले डांसर्स फास्ट स्पिन करने के लिए पूरा बॉडी एंड लेग्स को एकदम क्लोज में रखते हैं जब उनको स्लो करना होता है तो बॉडी एंड लेग्स को क्या करते हैं स्प्रेड आउट करते हैं स्प्रेड आउट करने से क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज Then speed will will decrease, decrease. angular velocity will decrease. concept which is very very important concept जो सब जगह पे यूज होता है ठीक है और इसके ऊपर बेस्ट तो numericals definitely आने वाले है, ठीके? तो वो चीज़ ध्यान में रखना है students. अभी इसमें जो है रोलिंग मोशन एंड derivation जो है linear acceleration का ये part जो है delete किया हुआ है so so, जितना part मैंने बताया है उतना part आपको पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ाई करना है बाकी सब तो कम्प्लीट हो गया है और ये भी है याद रखने के लिए जैसे मैंने बताया एनालॉग यू का एनालॉग ओमेगा वेलोसिटी का एनालॉग ओमेगा होता है बराबर है तो यू कैन सब्स्यूट दैट वैल्यू ठीक है तो ये सारे चार्ट है एक बार पढ़ोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा अगर आपने पूरा चैप्टर को मेरे साथ में रिवाइज किया है तो ठीक है स्टूडेंट्स ओके okay? ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें आपको क्या पढ़ना है कि रिंग के लिए फॉर्मूला याद रखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर या तो ये रिंग के लिए है या होलो सिलेंडर के लिए ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है दैट्स ऑल ठीक है अगर ये पार्ट में अगर डायमीटर के थ्रू ये सेंटर के थ्रू है डायमीटर के थ्रू होगा तो हाफ हो जाता है बिकॉज वेन द एक्सेस इज पासिंग थ्रू डायमीटर इट इज हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इसमें सिमिलरली यहाँ पे देखो डिस्क का भी दिया है सेंटर का एंड डायमीटर सेंटर का क्या वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर डायमीटर में क्या होता है वन बाय फोर एम आर स्क्वायर मैंने बताया था हाफ ऑफ सेंटर का फॉर्मूला आता है ठीक है इस तरह से अगर आप ध्यान में रखोगे फ्यू फॉर्मुले जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है होलोस्फीयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये ध्यान में रखना आई इज इक्वल टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर और सॉलिड स्पीयर के लिए आई इज इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये हो गया स्टूडेंट्स डायग्राम uh, जितना आपको मिनिमम एटलीस्ट इतना तो पढ़ाई करना है और ये है रॉड वाला फॉर्मूला ठीक है रॉड को अगर सेंटर से रोटेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है एमएल स्क्वायर बाई ट्वेल्व दट इज वन बाय ट्वेल्व एमएल स्क्वायर ठीक है और वही रॉड को अगर एंड से घुमाएंगे

तो अगर यही चीज को आप दो तीन बार वीडियो को देखोगे तो आपको डेफिनेटली बयाट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया उसको नोट डाउन करो ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू में हम लोग जो है नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टडी करेंगे यू कैन डेफिनेटली रिप्लाई में कैसा लगा आपको क्या चेंजेस करना चाहिए यू कैन डेफिनेटली सेंड इट ऑन कमेंट थैंक यू